हेलो दोस्तों। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि दुबई में अगर हम विजिट वीज़ा पे आते हैं, जॉब सर्च करते हैं, तो फिर पैसा क्यों देना पड़ता है? वीज़ा का पैसा देना पड़ता है या और सारी चीज़ों का, एजेंसियों को या एजेंट को या रिक्रूटमेंट कंपनी को पैसा क्यों देना पड़ता है? तो इसके हवाले से आज बात करेंगे। डिटेल्स में क्यों देना पड़ता है पैसा लेना, ये यूएई के लेबर लॉ में है या नहीं है, अगर कंपनियां पैसा लेती हैं तो वो लीगल है या नहीं है, और उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्यों पैसा देना पड़ता है, और ओवरऑल क्या सिचुएशन होती है, क्या कंडीशन होती है, और कैसे आपको क्या करना चाहिए अगर यूएई में आप विजिट वीजा पे जॉब सर्च कर रहे हैं। तो ओवरऑल कंडीशन की बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, कल मैंने वीडियो डाला था बाइक डिलीवरी जॉब का। उसके पहले भी मैंने बहुत सारे जॉब वैकेंसी की वीडियो डाली थी कि कैसे आप आ सकते हैं, कैसे आप जॉब खुद सेल्फ सर्च कर सकते हैं, कितना पैसा लगता है, सारी चीज़ों से रिलेटेड वीडियो डाला था। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आया है कि फिर वहाँ अगर हम जॉब खुद से ले रहे हैं और अपने होम कंट्री में किसी एजेंट या एजेंसी के थ्रू नहीं गए हैं, तो फिर हमको पैसा क्यों देना पड़ता है? तो देखिए, ये यूएई के लेबर लॉ में नहीं है। कोई भी कंपनी आपका वीजे का पैसा नहीं ले सकती है, लेकिन यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें चलती हैं। आपको अगर आपकी अच्छे से इंग्लिश आती है, आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो आप उस लेवल का, वो वाइट कॉलर जॉब होता है। व्हाइट कॉलर जॉब जब आप सर्च करते हैं और आपको मिलता है, तो उसमें किसी भी चीज़ का पैसा नहीं देना पड़ता है। लेकिन जब आप लो ग्रेड जॉब या पैकिंग हेल्पर या बाइक डिलीवरी या टैक्सी में या ऐसी सब चीज़ों में जाते हैं जिसमें आप डायरेक्ट कंपनी नहीं जाते हैं, किसी एजेंट या एजेंसी या थर्ड पार्टी वेंडर के थ्रू जाते हैं, तो वो लोग आपसे वीजा का पैसा लेते हैं। जबकि ये यूएई लेबर लॉ में नहीं है। वीजा का पैसा कोई भी कंपनी नहीं ले सकती है, लेकिन वो लोग वीजा का पैसा आपसे लेते हैं। ये कंपलसरी होता है और डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट होता है। ये लीगल नहीं है, फिर भी लोग लेते हैं और देना पड़ता है, क्योंकि आप उतनी एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं कि हिम सेल्फ सारी चीज़ें कर सकें, तो ये चीज़ आपको करनी पड़ जाती है। अभी उन लोगों का डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो लोग बाइक डिलीवरी या कार या कार ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर में या सेल्फ सब चीज़ें करना चाहते हैं, फिर भी उनको वीज़ा, तो बिना वीज़ा के आपका लाइसेंस नहीं बन सकता है, आप ज़्यादा दिन यहाँ रह नहीं सकते हैं, आप ओपनली कहीं पे जॉब नहीं कर सकते हैं विजिट वीज़ा पे, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए आपको एट द एंड वीज़ा किसी न किसी कंपनी का चाहिए ही होता है, किसी न किसी वेंडर का चाहिए ही होता है। इस रीज़न से वेंडर लोग वीज़ा का पैसा चार्ज करते हैं, और बहुत सारे कंडीशन में वो आपसे पहले ही पैसा लेते हैं, बहुत सारे कंडीशन में वो आपके सैलरी से डिडक्शन करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉन्डिंग कैसी रही है, आपकी बात या आपके कॉन्ट्रैक्ट कैसा है कंपनी के साथ। कंपनी आपकी सैलरी देगी तो वो डायरेक्ट कंपनी आपको देगी, लेकिन वेंडर अगर कंपनी से सैलरी लेके वेंडर आपको देगा, तो आपके वीजा का पैसा काटेगा या कुछ पैसा जमा करा के कुछ पैसे को इंस्टॉलमेंट में कट करेगा। तो बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, वो डिपेंड करता है आप कैसे वेंडर के पास गए हैं, कैसे एजेंसी के पास गए हैं, और कैसी जॉब आप कर रहे हैं, कितनी सैलरी है, और वीजा का क्या आपसे उससे कोऑर्डिनेशन बन रहा है, क्या इंस्टॉलमेंट बन रहा है, कैसे आपकी डीलिंग हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जबकि ये अनलीगल है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं और आपको करना पड़ता है अगर आप हिमसेल्फ आते हैं तो। और सेम प्रोसीजर आप अगर किसी एजेंट या एजेंसी के थ्रू आते हैं, बहुत लोगों का क्वेश्चन ये था कि जब वहाँ भी जाके वीज़ा का पैसा देना है तो हम यहीं से एजेंट से वीज़ा लगवा के जाएं, नहीं, फिर भी वहाँ का एजेंट आपका पैसा खा लेगा, टिकट और विजिट वीज़ा लगा के दे देगा, या इन केस एम्प्लॉयमेंट भी लगा के आपको देता है, फिर भी आप जब यहाँ आएंगे, यहाँ की एजेंसी जो होती है, यहाँ की जो कंपनी होती है, वो एजेंट से इस तरह का ही टाई अप होता है कि वो यहाँ की एजेंट या कंपनी या एजेंसी आपका वीजा का पैसा काटती है, या आपकी सैलरी ही बहुत मिनिमम होती है। तो ये सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो मेरा ओवरऑल सजेशन ये होगा कि आप खुद यहाँ आके जॉब सर्च करें, किसी एजेंट या एजेंसी के थ्रू ना आए, नहीं तो एट द एंड आपको जितने साल का वीजा होगा, 2 साल या 3 साल फ्री जोन का, तो आपको प्रॉब्लम्स ही होंगे। लेकिन अगर आप हिम सेल्फ आते हैं तो 2 महीने 4 महीने 5 महीने में आपका वीजा का पैसा खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपकी पूरी सैलरी आपके हाथ में मिलेगी। तो ये सारे डिफरेंसेस होते हैं, और बस यही जानकारी थी। उम्मीद है सारे लोगों की डाउट्स क्लियर होगी होगी। तो ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।